जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है योर नॉलेज शो में। दोस्तों, भारत के पास दुश्मन को पस्त करने वाले हथियारों का जखीरा है, लेकिन अब सरहद पर आग उगलने वाला एक ऐसा हथियार मिल गया है जो बेजोड़ और दमदार है, साथ ही इसका प्रहार जबरदस्त और अचूक है। दोस्तों, रणभूमि में ये कहर से कम नहीं, और खूबी यह है कि इसे एयरफोर्स ने अपनी शानदार इंजीनियरिंग से बनाया है। पुरानी मिसाइल जो शायद आगे इस्तेमाल नहीं होती, उसे देसी तकनीक से नया बनाया है, और एक ऐसा हथियार मिल गया जो बॉर्डर पर दुश्मन के किसी भी प्लेन और ड्रोन को मार गिराने का दम रखता है। दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सच में हमारी सेना और हमारे वैज्ञानिकों की सराहना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, ताकि दूसरे देश के लोगों को भी पता चले कि हम अपनी सेना और वैज्ञानिकों का कितना सम्मान करते हैं। दोस्तों, इस हथियार का नाम समर है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। समर का नया वर्जन जब पुणे के डिफेंस एक्सपो में दिखा तो दुनिया दंग रह गई। यह हिंदुस्तान का अग्निवान है, यह दुश्मन का काल है। अगर शत्रु ने सरहद पर घुसपैठ की हिमाकत की तो यह दुश्मन के लिए कहर है। यह एयरफोर्स का समर है, देसी तकनीक से बनी एक ऐसी मिसाइल जो मूविंग प्लेटफार्म से हवा में किसी भी लक्ष्य को भेदने की ताकत रखती है। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि समर वन की कामयाब टेस्टिंग के बाद एयरफोर्स ने समर टू विकसित किया है। इस वक्त देश और दुनिया में जो हालात है उसे देखते हुए भारतीय सेनाएं आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। हम भारतीय वायुसेना का एक ऐसा ही आत्मनिर्भर सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम समर टू आपको दिखा रहे हैं, जिसे भारतीय वायुसेना ने तैयार किया है, और ये समर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी मदद से किसी भी दुश्मन के खिलाफ किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। युद्ध के मैदान में एयर डिफेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुश्मन के सामने चुनौती होती है कि वो हमारे क्षेत्र में घुसने की अगर कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और ऐसे में इस समर एडीए सिस्टम के जरिए भारतीय नौसेना ने दो बड़े काम किए हैं। दोस्तों, अपने जो मिसाइलें हैं जो पुरानी हो रही है उनका इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ ही हर तरह की मिसाइल इस एडी सिस्टम पर तैनात की जा सकती है। और अब यह भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, और खास तौर से चीन पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर इस एडी सिस्टम का इस्तेमाल होगा। समर की ताकत के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि यह देसी जुगाड़ की एक अद्भुत मिसाल है। वर्षों पहले इंडियन एयरफोर्स ने रूस से R-73 और R-27 मिसाइलें ली थी जो हवा से हवा में मार करती थी, लेकिन रूसी मिसाइलों का जखीरा जब पुराना होने लगा तब वह किसी काम की नहीं रही। हो सकता था कि उन्हें हमेशा के लिए एयरफोर्स से हटा दिया जाता, लेकिन दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को उन्होंने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल में तब्दील कर दिया, और इस तरह सामने आया समर एयर डिफेंस सिस्टम। कुछ दिन पहले ही राजस्थान में हुए वायु शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास में इस मिसाइल ने अपनी सटीक मारक क्षमता दिखाई और पलक झपकते ही टारगेट तक पहुंच गया। दोस्तों, समर की कामयाब टेस्टिंग के बाद भारतीय वैज्ञानिक एक कदम और बढ़े, और अब जो समर टू सामने आया है वह और भी खतरनाक है। के डिफेंस एक्सपो में इसकी खासियत सामने आई। सबसे पहले हमने समर वन तैयार किया, जिसमें हमने R-73 मिसाइल को यूज किया, क्योंकि वो मिसाइल थोड़ा आसान थी इंटीग्रेट करने के लिए और उसकी कैपेबिलिटीज हमको अच्छी तरह से पता थी। दोस्तों, हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप सक्सेस देना चाहते हैं तो आपको छोटे स्तर पर चालू करना पड़ता है, और आज 73 की जो सक्सेस हुई उसके बाद में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और हमने रियलाइज किया कि और भी जो बड़ी मिसाइलें हमारे पास में अवेलेबल है उनको भी हम इसी तरह के एडी सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने डिसीजन लिया कि R-27 मिसाइल जो हमारे इन्वेंट्री में है और लाइफ एक्सपायर्ड हो गई है, उनको जहाज के ऊपर ले जाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जहाज को अनसेफ कर देता है। तो हमने उनका एडी सिस्टम में यूज करने का फैसला किया। यह सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार है। एयरफोर्स के अग्निवान की खूबी यह भी है कि यह दुश्मन पर हमला करने के बाद अपनी जगह बदल लेगा, किसी और लक्ष्य की ओर निकल पड़ेगा। इस मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल वायुसेना की BRD यूनिट करती है। समर मिसाइल किसी भी तरह के हवाई टारगेट यानी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकती है, किसी भी ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, इसीलिए बेमिसाल है। समर मिसाइल ट्रक से लॉन्च की जाती है जो 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी भी हवाई टारगेट को हिट कर सकती है। लंचर पर दो मिसाइलों को लगाने का इंतजाम है, और मिसाइलों की रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। दोस्तों, किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो डिटेरेंस क्रिएट करने की है। दुश्मन को यह चुनौती देना है कि आप पेनिट्रेट करके दिखाइए, और जितने ज्यादा आपके पास में एडी सिस्टम होंगे उतनी ज्यादा उसके लिए चुनौती बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज यह है इस एडी सिस्टम का कि इसको दुश्मन ट्रैक नहीं कर सकता, बिकॉज हम इसको फायर करके रिपोजिशन कर सकते हैं। दोस्तों, समर वन में जो मिसाइल इस्तेमाल होती है उसका वजन 105 किलो है, लंबाई करीब 10 फीट और उसमें 7 किलो से कुछ ज्यादा का वार हेड है, लेकिन उसकी तुलना में समर टू एक वजनी मिसाइल है जिसका वजन 253 किलो है और लंबाई 13 फीट से ज्यादा। खास बात यह है कि इसमें 39 किलो का वॉर हेड लगा है, यानी यह समर वन की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है,
और कहीं ज्यादा विध्वंसक भी। अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए समर कारगर तो है ही, इसकी खूबियों की वजह से दुनिया में भी इसकी मांग हो सकती है। छोटी दूरी की मिसाइलों के मामले में यह अभिनव प्रयोग है जिसके कायल दूसरे देश भी हो सकते हैं। डिफेंस एक्सपो में इसे रखने का मकसद भी यही था। अब इस मिसाइल के लॉन्च ट्रक के बारे में भी जान लीजिए। समर 1 के लिए अशोक लीलैंड स्टेलियन 4x4 ट्रक का इस्तेमाल होता है, तो वही समर 2 के लिए BEMLT-8158WD-8x8 ट्रक इस्तेमाल होगा। भारत के पास हजारों की तादाद में रूसी R-73 मिसाइलें हैं, जिन्हें देसी मिसाइल में तब्दील करके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आम के आम और गुथलियों के दाम, कोई भी पुरानी मिसाइल हो उसे नया करके समर बनाया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर युद्ध के मैदान की बात करें तो दुश्मन के खिलाफ टेरेंस के तौर पर यह डिफेंस सिस्टम काम कर सकता है, और इसे पूरी तरह से देश के अंदर तैयार किया गया है, और इस सिस्टम से किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।